पहले भी इसी तरह से भीषण अग्निकांड हुआ था, लेकिन अभी तक उन लोगों को भी कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है और ना ही कोई सहूलियत मिल पाई है। लोग बेबस अपनी दुकानों को जलते हुए वहां पर देखते रहे और जब दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची तो गाड़ियों में पानी नहीं था और देखते ही देखते उनका सारा सामान जल गया। इस घटना के बाद पीड़ितों का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें आपको कि 20 साल पहले भी इसी तरह से भीषण अग्निकांड हो चुका है, लेकिन अब तक उन पीड़ितों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। 150 से ज्यादा दुकानें इस आग में प्रभावित हुई। अगर वक्त रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच जाती तो शायद इस आग पर काबू पा लिया जा सकता था और इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान, 150 से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आ गई। चलो यार, फायर कर्मियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद हम गाड़ी यहाँ के स्वयं लेकर गए रहना, वहाँ से गाड़ी लेकर आए, गाड़ी लेकर यहाँ पर आए, उसमें पानी भी नहीं था, रहा था किसी के आग बुझाने के लिए भी। दमकलों में पानी नहीं है और जब आग लग रही है दमकल नहीं है, के पास व्यवस्था होती तो आज इस दिन बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए फिरोजाबाद के काठ बाजार जो कि फर्नीचर बाजार है, उसमें भीषण अग्नि कांड हुआ है। 150 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो चुकी। आसपास के जो दुकानें हैं उनसे सामान निकाला जा रहा है। दुकानदारों के परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां और तमाम जो दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, बार बार एक बात आती है कि हर बार अग्निकांड होता है, क्या आपका कहना है? सर ये चौथा चांस है, चौथे चांस में कुछ नहीं, सब आते हैं, देखते हैं, तमाशा देखते हैं, चले जाते हैं और हमेशा रात को ही आग लगती है। और अभी तो सुनने में आ रहा किसी ने धमकी भी दी है कि 27 तारीख के बाद में देखना क्या होता है, मेला लगेगा यहाँ पे, तो वो मेला लगा दिया। आपको कब पता चला? हमें तो सुबह 4 बजे पता चला है। हर बार नुकसान होता है, हर बार हम लोगों की दुकानें चल जाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, कुछ मिलता भी नहीं है। सर हमें जितना है उतना मुआवजा मिले और इस चीज पे रोक लगाई जाए, हम ये चाहते हैं। कितना सारा सामान जल गया? आपने प्रयास तो बहुत किया। अब प्रयास तो कहा हो तो सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। जितेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, क्या अब तक का अपडेट रहा है, आग पर क्या स्थिति है, लोगों की नाराजगी भी कायम है? देखिए स्वाति, जो हादसा हुआ है वो वास्तव में दुख पहुंचाने वाला है। सैकड़ों परिवारों का जीवन यापन करने का जो सहारा था वो ही उनसे छीन लिया गया। आग के कारण क्या रहे, किन लोगों ने लगाई या अपने आप लगी, ये सब जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी आए, मुस्कुरा के चले गए, अधीनस्थों को बता के ठीक है ऐसे कर लेना, तो मौके पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है, लेकिन वहां से नदारद होना ये दर्शाता है कि आप गैर जिम्मेदार हैं, आपको अपने दायित्व का निर्वहन करने का सही ढंग नहीं मालूम है, इस बात की नाराजगी है। जेसीबी बुलडोजर वहां पहुंचा, लोगों में इस बात का रोष था कि कहीं ऐसा तो नहीं उनकी दुकानें जो अभी मलबे के रूप में तब्दील हैं उनको भी चौपट ना कर दिया जाए, तो विरोध का सामना करना पड़ा, वापस कर दिया गया। बिल्कुल, अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है? देखिए स्वाति, केवल और केवल भारत समाचार की टीम यहाँ मौजूद है। अधिकारियों की बात करी जाए तो सारे अधिकारी अब चले गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि हमारी रात काली हो गई है, 4 बजे से वो यहाँ थे, विलंब से आए हालांकि, लेकिन फायर ब्रिगेड के 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिनमें पानी नहीं है, नगर निगम के टैंकर से उनमें पानी डाला जा रहा है, तब जाके आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लपटें थोड़ी कम तो हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो आग है वो है, पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। बिल्कुल, इस पर आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका धन्यवाद। हापुड़ में रोडवेज में युवक की पीट पीट कर हत्या।